जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हर हर महादेव। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको केदारनाथ यात्रा का संपूर्ण वर्णन दूंगा, जिसमें से आपको यह बताऊंगा कि आपको केदारनाथ यात्रा कैसे करनी है, कहां से आपकी यात्रा शुरू होती है और कहां पर अंत होती है, केदारनाथ यात्रा में रुकने की क्या व्यवस्था है, केदारनाथ यात्रा में आपको खाने पीने की भी क्या व्यवस्था है, साथ ही साथ ये जो 16 से 18 किलोमीटर की ट्रैक है, इस ट्रैक के दरमियान आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी, साथ ही साथ आपको इस ट्रैकिंग को करने के लिए आपको कितना समय लगेगा, और भी केदारनाथ की यात्रा से जुड़ी हर बातों का विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा और सभी बातों को मैं स्पष्ट रूप से आपको आज की इस वीडियो पर बताऊंगा। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले मैं केदारनाथ की ग्रुप टूर लेके गया था, यात्रावास की तरफ से ग्रुप टूर गया हुआ था। तो इस ग्रुप टूर में हमको ठंड का भी सामना करना पड़ा, तो आप पर्याप्त मात्रा में अपने गर्म कपड़े भी रखिएगा ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई कठिनाई ना हो केदारनाथ यात्रा करने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, बने रहिएगा, एक एक करके सारी बातों को विस्तारपूर्वक वर्णन करता हूँ, जिससे आपको केदारनाथ यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आ जाए। और एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों आपको कि अभी मैंने कुछ दिन पहले एक और वीडियो निकाली थी केदारनाथ यात्रा की, लेकिन वो जो वीडियो थी वो केदारनाथ के कपाट खुलने साथ ही जो चीजें थी और जो उनकी रेट्स थी वो मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है, करंट जो रेट्स चल रहे हैं, प्राइस चल रहे हैं, वो सबकी इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। हर हर महादेव। तो दोस्तों यात्रा शुरू होती है मेरी हरिद्वार से। मैं ट्रेन के माध्यम से विभिन्न शहरों से अगर आप आना चाहते हैं तो ट्रेन के माध्यम से आप हरिद्वार पहुंच सकते हैं, या नहीं तो चाहे योग नगरी ऋषिकेश भी पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों मेरी यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से और मैं हरिद्वार उतरा रेलवे स्टेशन में, और रेलवे स्टेशन के ठीक सामने बना हुआ है बस स्टैंड। तो मैं वहां से बस टैक्सी जो भी मुझे वहां से मिली वो मैं हायर करके वहां से मैं अपने सोनप्रयाग के लिए प्रस्थान कर पड़ा, क्योंकि मेरी जो होटल बुक थी वो सीतापुर में थी। हालांकि सीतापुर और सोनप्रयाग दोनों 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पे हैं, तो मैं सीतापुर में मेरी होटल बुक थी, और सोनप्रयाग से आपको मालूम है कि आपको वहां से बुलेरो सुमो जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा चलती है वहां से आपको जाना पड़ता है गौरीकुंड। तो मैं यहां से बस पकड़ा जो कि मेरी बस जानी थी सोनप्रयाग तक। तो यहां से आपको सोनप्रयाग जाने में लगभग 8 से 9 घंटे लगते हैं अगर आपको ट्रैफिक जैम नहीं मिला तो, वही अगर आपको ट्रैफिक जैम ज्यादा मिलता है तो फिर आपको उतना ही विलम्ब होता जाएगा। दोस्तों बस का किराया जो था सोनप्रयाग तक का दोस्तों वो था आपका 600 रुपये, और मैं ये जो बस बुक किया हुआ था ये बस बुक किया था मैंने redbus.com से, जो कि आपका 600 रुपये पुशबैक सीट होती है, 600 रुपये पर पर्सन होता है, और वो आपको सोनप्रयाग 8 से 9 घंटे में छोड़ देगी अगर आपका ट्रैफिक जैम नहीं लगा तो। इस पूरे रोड जर्नी का आप आनंद उठाते जाएंगे, क्योंकि यहां से आपको प्राकृतिक दृश्य दिखेगा, बगल में आपकी गंगा नदी दिखेगी और साथ ही साथ एक साइड आपका पर्वत दिखेगा। तो ये जो सफर है बहुत ही ज्यादा सुहाना होने वाला है, तो ये सफर आप आराम से 8 से 9 घंटे में बिता सकेंगे। लेकिन आपको सोनप्रयाग पहुंचने से पहले भी आपको दो चीजों का और भी दर्शनीय स्थल है, चलिए आइए मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ, ताकि अगर आप केदारनाथ आना चाहते हैं तो ये चीजों का भी आप आनंद उठाते चले। सबसे पहला चीज है दोस्तों वहां पे धारी देवी का टेम्पल। दोस्तों ये धारी देवी का टेम्पल जो है ये आपके गंगा नदी के बीचों बीच में बनाया गया है, और ये टेम्पल पहले पानी में ही हुआ करता था, लेकिन जब डैम बना रुद्रप्रयाग का, तो रुद्रप्रयाग के डैम की वजह से पानी का जल स्तर काफी ज्यादा ऊंचा हो गया, इस वजह से इस मंदिर को जल स्तर से उठाकर कुछ हाइट पर रखना चाहा, और पंडितों द्वारा इस मूर्ति को उठाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये मूर्ति उठी नहीं क्योंकि माता की शक्ति बहुत ज्यादा थी और किसी के सामने चली नहीं। बट बहुत पूजा अर्चना करने के बाद, यज्ञ करवाने के बाद पंडितों द्वारा एक 11 साल की कन्या से ये धारी देवी माता का मूर्ति को उठवाया गया, और तब जाके वो उठा, और जिस दिन ये मूर्ति उठी आपकी वो डेट था 16 जून 2013, और इसी दिन आपके केदारनाथ में महाप्रलय आया था। आप सभी को वो प्रलय तो मेरे ख्याल से याद होगा। तो दोस्तों ये वही दिन था जब धारी माता की मूर्ति को उठाया गया और उधर केदारनाथ में महाप्रलय आ गया, जो कि डेट था 16 जून 2013। दोस्तों इस मंदिर में आने के लिए आपको जो मेन रोड है, मेन रोड से आपको लगभग 1/2 किलोमीटर नीचे आना पड़ेगा। तो आप दोस्तों यहाँ पे मंदिर में जाएंगे और यहाँ पे आपको धारी देवी माता का मूर्ति मिलेगा, इनके आप दर्शन कीजिए, मत्थे टेकिए, और जय माता दी का नारा लगाते हुए आप अपनी यात्रा को पुनः प्रस्थान कीजिए सोनप्रयाग के लिए। चलिए दोस्तों अगले स्थान की बात करता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप पहुंचेंगे देवप्रयाग, तो दोस्तों देवप्रयाग में आपका वहां पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। तो दोस्तों ये भी एक दर्शनीय स्थल है जहां पे आपको स्पष्ट रूप से दिखता है कि अलकनंदा नदी और एक तरफ से आ रही है भागीरथी नदी, दोनों का एक संगम होता है, और वो फिर पुनः गंगा के रूप में एक विशाल रूप धारण करके वो बह चलती है। तो दोस्तों एक दूसरा साइट सीनिंग आपका ये भी है जो कि आपको रास्ते में मिलेगा। तो दोस्तों जैसे तैसे करके आप 8 से 9 घंटे में पहुंचेंगे सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग में आप स्टे ले लीजिए। दोस्तों सोनप्रयाग में ये आपके बस पार्किंग है, अगर आप प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो वहाँ पे आपको खुद की गाड़ी का भी आपको पार्किंग स्थल देखने को मिलेगा। तो आप सीतापुर में चाहे तो वहाँ भी स्टे कर सकते हैं अपनी गाड़ियों का, या नहीं तो चाहे तो आप सोनप्रयाग में आके अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो आपको दोनों ही जगह पर आपको पार्किंग मिलेगी और आप वहाँ पर अपना स्टे बना सकते हैं जहाँ भी आपके होटल्स बुक हो। तो चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको अब रुकना कहाँ है और हमको क्या टैरिफ पड़ेगा। तो दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा कि सीतापुर में सोनप्रयाग में बहुत
नॉर्मल या फिर स्टैंडर्ड रूम्स आपको मिलेंगे, ज़्यादा हाई फाई लग्जरियस होटल नहीं मिलेगा। और अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ दोस्तों, तो 1000 रुपये पर बेड होता है, वहाँ पे बेड सिस्टम चलता है, 1000 रुपये बेड, 1200 रुपये बेड में आपको आराम से वहाँ स्टे कर सकते हैं। ऑफलाइन बुकिंग आप मत कीजिए, जो भी आप ऑनलाइन बुकिंग ही करके आइए, ताकि आपको रूम के लिए ज़्यादा भटकना ना पड़े। और यहाँ पे आप नॉर्मल होटल रहते हैं, नीट एंड क्लीन होटल रहते हैं, बट जो भी रहता है वो एक नॉर्मल या फिर स्टैंडर्ड होटल रहता है। और उस रात आप विश्राम कीजिए और अगली सुबह उठिए, सोनप्रयाग से अब हमको चलना है गौरीकुंड के लिए। लेकिन सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए आपको यहाँ पे बुलेरो सुमो का लाइन लगेगा। दोस्तों ये रहा सोनप्रयाग, और ये सोनप्रयाग ज़्यादा बड़ा नहीं बल्कि एक छोटा सा टाउन है, जहाँ पे आपको कुछ होटल्स देखने को मिलेंगे, कुछ यहाँ पे दुकान देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ एक दो क्लॉक रूम देखने को मिलेगा और एक पार्किंग लॉट है। तो दोस्तों ये रहा आपका सोनप्रयाग, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सामने दोस्तों आपको यहाँ पे ये जो शेड दिख रहा है, ये शेड के नीचे आपके यात्रा पर्ची का वेरिफिकेशन होता है। और साथ ही साथ यहाँ से घोड़े खच्चर लेना चाहते हैं सोनप्रयाग से, तो वो भी यहाँ से आप पर्ची कटवा के अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से आपको ये जो लाइन देखने को मिल रही है, ये लाइन है गौरीकुंड के लिए सुमो बुलेरो के लिए। दोस्तों सोनप्रयाग से गौरीकुंड जो आपकी सुमो बुलेरो चलती है, जिसका किराया मात्र 50 रुपये होता है, तो दोस्तों ये गाड़ी जो आपको मिलती है, ये सोनप्रयाग से मिलती है, जो कि उत्तराखंड द्वारा ये गाड़ी चलवाई जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी लाइन लगभग आपको 0.5-1 किलोमीटर देखने को मिलेगी, बट ये लाइन बहुत ही जल्दी आगे बढ़ती है, जिसमें से आप मान के चलिए कि 1 से 1.5 घंटा आपको लगेगा और आपको सुमो बुलेरो मिल जाएगी और आप पहुँच जाएंगे गौरीकुंड। तो दोस्तों यहाँ से यात्रा शुरू होती है मेरी गौरीकुंड के लिए। मैं सुमो लिया, मुझे सुमो मिलते साथ ही लगभग 10 मिनट में मैंने गौरीकुंड पहुँच गया। 50 रुपये का चार्ज होता है, मैंने ड्राइवर को दिया और मैं गौरीकुंड पहुँचा। अब एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि सुमो बुलेरो में अगर आपकी फैमिली बड़ी है, तो ये मत सोचे कि एक ही गाड़ी में हम सब आ जाएँ या फिर 2 गाड़ी में हम अपनी फैमिली को लेकर आ जाएँ। आगे पीछे रहिएगा, क्योंकि लाइन में सभी को ही रहते हैं। अल्टीमेटली आपको पहुँचना आखिरी गंतव्य पे है, वो है गौरीकुंड। तो आगे पीछे भी अगर सुमो बुलेरो मिलती है तो आप घबराएं नहीं, धैर्य रखिए, सबको गाड़ी मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ गौरीकुंड पहुँचे और गौरीकुंड से आपकी पदयात्रा शुरू होती है। हालांकि 2013 के पहले गौरीकुंड तक सारी बसेस जाती थी, इवन आपका यहाँ पे पार्किंग भी हुआ करता था। तो दोस्तों ये है आपका केदारनाथ का फूड ट्रैक, जो कि लिखा हुआ है 16 किलोमीटर, लेकिन 16 किलोमीटर तो नहीं है, लगभग आपका 18 से 20 किलोमीटर की ये ट्रैकिंग होती है। और आप गौरीकुंड से यात्रा शुरू की। दोस्तों ये है आपका गौरीकुंड का कुंड, यहाँ पे आपके गौरी माता के मंदिर भी देखने को मिलेंगे। तो आप इस कुंड में भी आप चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं, दर्शन कीजिए, माता के यहाँ मत्थे टेकिए और अपनी यात्रा प्रस्थान कर दीजिए आप केदारनाथ के लिए। यहाँ से आपकी पदयात्रा शुरू होती है। चलिए आइए मैं घोड़े खच्चर की भी रेट बता देता हूँ। दोस्तों पुराने रेट छोड़ दीजिए, नए रेट अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों जो गौरीकुंड से आपका केदारनाथ का जो घोड़े खच्चर का चार्ज होता है, वो आपका लेते हैं 2500 रुपये लेते हैं, यानी कि 2500 रुपये लेते हैं एक बार का, और रिटर्न का लेते हैं वो 1740 रुपये। वही अगर मैं दोस्तों बात करूँ आपकी डोली की या फिर आपकी बात करूँ पालकी की, तो वो वजन के हिसाब से होता है, जो कि उसका रेट भी 7000 से 9000-10000 रुपये होता है डोली का और पालकी का। तो आप चाहें तो ये सब चीज़ें ले सकते हैं। और मेरी यात्रा शुरू हो जाती है केदारनाथ के लिए, 1 किलोमीटर की मैंने ये यात्रा करी। दोस्तों हम कुछ पैदल यात्रा शुरू करने के बाद हमारा केदारनाथ की जो दूरी है वो लगभग 10.5 किलोमीटर अभी और भी बची हुई है। आपको वहाँ पे आगे भीमबली आएगा, और भीमबली दोस्तों वो स्थान है जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हैवी चढ़ाई देखने को मिलेगी। भीमबली दोस्तों आपको एक पुल पार करना है, और पुल के बाद आपकी जो बची हुई यात्रा रहेगी वो यात्रा आपकी इतनी दुर्लभ रहेगी कि आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूलेगी और आप 100-200 मीटर से ज़्यादा एक बार में एक सांस में नहीं चल पाएंगे। चलिए आइए आगे का सीन मैं आपको और भी दिखाता हूँ। दोस्तों आगे आप जैसे चलेंगे तो आपको भीमबली से थोड़ा सा पहले आपको एक GMVN का वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट मिलेगा। तो अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो GMVN के वहाँ पे आप ठहर के अपना भोजन भी कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप कुछ वहाँ पे नाश्ते के रूप में भी कर सकते हैं। दोस्तों जगह जगह पे आपको वहाँ पे नींबू पानी, चाय की व्यवस्था, वॉशरूम की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, हर प्रकार की आपको व्यवस्था मिलेगी। इवन आपको वहाँ पे RO का गर्म पानी भी आपको मिलेगा, तो अगर आप गर्म पानी भी पीना चाहते हैं तो उन सभी चीज़ों की आपको वहाँ पे बंदोबस्त देखने को मिल जाएगी, जो कि GMVN द्वारा है। हर हर महादेव दोस्तों, अभी हम लोग ट्रैकिंग कर रहे थे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं ग्लेशियर भी मिलेगी, जो कि ये सफ़ेद की जगह थोड़ी सी काली भी हो रखी है, क्योंकि यहाँ पे घोड़ों खच्चर का आवागमन बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये स्नो की जो क्लियरिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आप चाहें तो ये स्नो का भी आनंद ले सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे फिलहाल मई मंथ में, तो देखते हैं कि अभी ये स्नो कब तक रहती है। हो सकता है कि मई महीने तक तो पूरा रहे, एंडिंग अक्टूबर सितंबर आने तक, तब तो बहुत ज़्यादा स्नो रहती नहीं है, मेल्ट हो जाती है ऑलमोस्ट। और देख सकते हैं कि ऊपर पर्वत से पूरे ग्लेशियर्स जो हैं ये पूरे इकट्ठा हो चुके हैं, तो आपको जगह जगह पर ये सब नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों जैसे जैसे आप अपनी चढ़ाई आगे करते जाएंगे, वैसे ही आपको वहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही ज़्यादा शानदार देखने को मिलेगा, जैसे बर्फ ग्लेशियर हो गई, आपके पर्वतीय रास्ते हो गए, साथ ही साथ आपके वहाँ की ब्यूटी, वहाँ के पर्वत, महादेव का जो ट्रैकिंग यात्रा है बहुत ही शानदार, अनोखा और बेहद शानदार हो जाता है।
तो आप हर हर महादेव का नाम लेते हुए आप महादेव की तरफ प्रस्थान करते चलिए। और हमको लगभग ये यात्रा करने में 9 से 10 घंटे लग गए। अगर आप आराम से भी यात्रा करेंगे तो आप मान के चलिए कि 10 घंटा तो आपको लगने ही है, अदरवाइज अगर आप और आराम से यात्रा करेंगे तो 11 घंटे भी लग सकते हैं। दोस्तों एक चीज से आप जरूर सावधान रहिएगा, घोड़े खच्चर का आवागमन बहुत ज्यादा है। कहीं कहीं पे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि इंसानों से ज्यादा तो घोड़े खच्चर का आवागमन है, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि रास्ते में कहीं कहीं रेलिंग नहीं है, एक साइड खाई है, दूसरी साइड आपके घोड़े खच्चर है, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक आप चलिएगा, क्योंकि हम सभी को इन सब चीजों का बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो आप हिसाब से चलिएगा और अपने आप का भी ख्याल रखिएगा। सबसे बड़ा प्रश्न दोस्तों भक्तों के मन में ये आता है कि केदारनाथ में ऊपर स्टे की क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही आप अपनी यात्रा करते जाएंगे तो आपको एक बेस कैंप मिलेगा, और इस बेस कैंप पे आपको दोस्तों हाउस हट मिलेंगे और साथ ही साथ आपको टेंट की व्यवस्था मिलेगी। हाउस हट की बुकिंग और टेंट की बुकिंग आपकी GMVN की ऑनलाइन वेबसाइट है, एक उस वेबसाइट में जाके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। हाउस हट अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको टेंट मिल जाएगा, 400 रुपए पर बेड पर नाइट मिलता है, और इस टेंट में आपके लगभग 10 लोग रहेंगे, जो कि एक डॉर्मेट्री सर्विसेज कह सकते हैं। यहाँ पे आपको गद्दे रजाई दोनों ही दिए जाएंगे, तो आप इस टेंट में अपना स्टे बनाकर अपनी रात गुजार सकते हैं, अगर आपकी बुकिंग नहीं हो पाई है अगर होटल्स में। तो वही अगर बात की जाए प्राइवेट होटल्स की, तो प्राइवेट होटल्स भी बहुत लिमिटेड है, जिसकी जानकारी अभी आगे मैं आपको वीडियो पर दूंगा और दिखाऊंगा भी। हर हर महादेव दोस्तों, अभी यहाँ पे केदारनाथ मंदिर के पास 1.5 किलोमीटर पहले आपको एक बेस कैंप पड़ता है, सामने वहाँ देख सकते हैं आपको एक बेस कैंप नज़र आ रहा होगा। उस बेस कैंप का जो कॉस्ट होता है वो आपका GMVN की तरफ से भी होता है और आपका कुछ प्राइवेट्स भी होते हैं। तो अगर आप GMVN के रुकना चाहते हैं तो ऑनलाइन वेबसाइट में जाके आप GMVN के वेबसाइट में बुकिंग कर सकते हैं। और अगर प्राइवेट टेंट की बात की जाए तो प्राइवेट टेंट का भी टैरिफ बहुत ज़्यादा है, अगर 6 लोग रुक रहे हैं तो उसका टैरिफ आपका 8,000 रुपये पर नाइट का होता है, ओनली लॉजिंग। तो यहाँ पे टेंट भी बहुत ज़्यादा महंगा है, क्योंकि इस साल रश बहुत ज़्यादा है 2022 में। तो दोस्तों यहाँ पे केदारनाथ मंदिर कैंपस के सामने यहाँ पे मैं हूँ, और आप जो भी बुकिंग करवाना चाहते हैं पहले बुकिंग करा लीजिएगा, क्योंकि होटल्स के बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। हर हर दोस्तों, मंदिर से ठीक 0.5 किलोमीटर पहले आपका एक पड़ता है हेलीपैड, और इसी हेलीपैड में आपकी जो गुप्तकाशी सिरसी पाटा ये सबसे जो उड़ान भरती हेलीकॉप्टर, वो इसी हेलीपैड पे आगे उतरती है। और इस हेलीपैड में उतरने के बाद जो यहाँ यात्री उतरते हैं वो इस लाइन में लगकर महादेव के दर्शन करते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर की जिसकी बुकिंग होती है दोस्तों उनको दर्शन करने के लिए टाइम काफ़ी कम दिया जाता है। तो यहाँ पे 1x1 हेलीकॉप्टर आती है, यहाँ पे सवारी को उतारती है और उन सवारी को उठाकर वापस गुप्तकाशी लेके जाती है। कहने का मतलब यह है कि कंटिन्यूसली यहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विसेज सुचारू रूप से चलती रहती है और यहाँ पे भक्तों को लाकर छोड़ा जाता है। तो दोस्तों ये है हमारे महादेव का मंदिर प्रांगण, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। काफी मशक्कत के बाद हमको महादेव के मंदिर के दर्शन हुए, और हम कतार में भी लगकर महादेव के दर्शन अवश्य करेंगे, लेकिन पहले हर हर महादेव का जोर से आप कमेंट सेक्शन में नारे लगा दीजिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मंदिर के ठीक पीछे एक बड़ी सी पर्वत रखी हुई है, और ये जो 2013 की आपदा आई थी, इस आपदा में ये शिला आकर पहाड़ का एक चट्टान आकर मंदिर के पीछे आट टिका था, जिससे पानी के जो हिस्से थे वो 2 भाग में बढ़ गए थे, जिसमें मंदिर के अंदर पानी प्रवेश नहीं किया था और मंदिर को किसी भी तरीके की कोई हानि नहीं हुई थी। तो ये है महादेव की कृपा कि मंदिर के आसपास जितने भी होटल्स धर्मशाले लॉज खाने पीने के जो भी रेस्टोरेंट्स हैं सब ध्वस्त हो चुके थे, सब मलबे में तब्दील हो गए थे, लेकिन महादेव के मंदिर प्रांगण को कुछ भी नहीं हुआ, महादेव के मंदिर को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये सब भोलेनाथ की कृपा थी। तो दोस्तों इस प्रांगण में आप आएंगे तो कहा जाता है कि स्वर्ग कहिए चाहे केदारनाथ बात एक ही है। ये जब आप यहाँ पहुँचेंगे तब आपको इस चीज़ का अनुभव होगा कि स्वर्ग कहिए या फिर महादेव का मंदिर, दोनों की बात एक ही है। तो दोस्तों हम यहाँ पे मंदिर के आसपास रहे, यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य देखे, महादेव के दर्शन किए और महादेव की भक्ति में लीन हो उठे। दोस्तों महादेव के दर्शन करने के लिए आप लाइन में लगी, लाइन में हमको जो दर्शन करने के लिए लगे वो लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे भी किसी किसी को लग रहे थे, और किसी किसी को बहुत ज़्यादा भी लग रहे थे। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि रश कितना है, भीड़ कितनी है, उस हिसाब से महादेव के यहाँ पे दर्शन होंगे। और आपको मंदिर के अंदर महादेव की ज्योतिर्लिंग दिखेगी, मैं अभी अंदर नहीं दिखा सकता क्योंकि मोबाइल ले जाना वर्जित था। तो दोस्तों आप महादेव के दर्शन कीजिए, हर हर महादेव का नाम लेते हुए आप अपनी मनोकामनाएं मांगिए। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि अगर आप महादेव के प्रांगण में हैं और अगर प्राइवेट होटल से आपकी बुकिंग नहीं हुई है तो आप खाने पीने की क्या बंदोबस्त करेंगे। दोस्तों जहाँ पे हेलीपैड था, हेलीपैड के थोड़ा सा आगे आपको यहाँ पे एक अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा।
इस अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आप अपनी भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। 250 रुपए 200 थाली होती है, उस थाली में आपको आराम से भरपेट खाना मिल जाएगा, तो आप वहाँ अपने भोजन ग्रहण कर सकते हैं। या नहीं तो चाहें वहाँ पे 2-4 होटल्स भी हैं जो कि प्राइवेट हैं, तो वहाँ होटल्स में भी जाके आप अपने खाने पीने की बंदोबस्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप महादेव के दर्शन कीजिए और अपनी यात्रा पुनः वापस कर दीजिए गौरीकुंड के लिए या सोनप्रयाग के लिए। तो दोस्तों ये था महादेव यात्रा का एक संपूर्ण वर्णन। लास्ट बात करते हैं दोस्तों कि इस यात्रा को करने के लिए मुझे कुल खर्चा कितने लग गया। तो दोस्तों अगर मैं 3 नाइट 4 डेज की बात करूं तो दोस्तों मान के चलिए कि आपका जो ये महादेव के दर्शन करने के लिए जो खर्चे लगेंगे एक आदमी का, वो लगभग 9 से 10 हजार रुपए लगेगा और आप महादेव के दर्शन कर लेंगे। तो दोस्तों ये था केदारनाथ यात्रा का संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर अगर आपके मन में कोई विचार है, कोई संशय है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अदरवाइज आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट करके जो भी आपके प्रश्न है वो प्रकट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, एक नई यात्रा के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। आपकी यात्रा मंगलमय होगी।